हाय दोस्तों, मैं विनीत चौधरी, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए बिगनर के लिए, नए नए बिगनर जो नए नए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए हैं, उनके लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया, जो पहला मैंने दिया था वीडियो और दूसरा वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ। मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, ऐसा ऐसा वीडियो जो पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा आपका रीडिंग स्किल। ना विश्वास हो तो ये आप पढ़ के देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो आप कमेंट में लिख के दीजिएगा कि आप जो वीडियो बनाए हैं वो अच्छा नहीं था। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा कि सर कैसा है ये वीडियो और कैसा नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो को देखते हैं हम, अगर बहुत अच्छा लगे आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो देखिए, हमारा आज का जो ये है टॉपिक जो है, इसका हेडलाइंस क्या है? देखिए, 19 ईयर ओल्ड, 19 साल का, 19 ईयर ओल्ड मतलब 19 साल का कमिट्स मतलब जो कोई चीज़ करते हैं ना, अपनाते हैं, कोई चीज़ आप करते हैं तो उसको कमिट होता है, और कमिट के साथ सुसाइड, सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या, आत्महत्या करना जो होता है उसके लिए कमिट होता है, ठीक है ना? तो कमिट सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या करना। तो यहाँ पर 19 साल का एक ही है, इसलिए इसके साथ VE5 लाया है। और पहले न्यूज़पेपर के जो शुरू किए थे उसमें बताए थे आपको कि यदि सब्जेक्ट के बाद VE5 दिखे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब दिखे तो मीनिंग जाता है पास्ट इंडिफिनिट में। तो जैसे 19 साल का, और कमिट सुसाइड मतलब आत्महत्या कर लिया। अब 19 साल का कौन है, लड़का है कि लड़की, ये आपको नीचे पता चलेगा। तो 19 साल का कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लिया विद गर्लफ्रेंड, यानी गर्लफ्रेंड लड़की दोस्त के साथ, उनकी जो दोस्त थी महिला दोस्त उसके साथ, इसका मतलब है लड़का होगा 19 साल का। इन, और ये जो के जंग है, के जंग मतलब किशनगंज, अच्छा किशनगंज है, के जंग नहीं है, गंज है, तो किशनगंज। ये 19 साल का लड़का जो है उसने आत्महत्या कर लिया, किसके साथ? तो गर्लफ्रेंड के साथ। कहाँ पर? तो किशनगंज में। यही टॉपिक हमारा आज का है, और कैसे क्या किया वो नीचे हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि क्या टॉपिक में दिया हुआ है, क्यों किया। चलिए आज का देखते हैं हम टॉपिक। देखिए, न्यूज़ कहाँ से है? तो पटना से लिखा गया है। वन वन मतलब कोई या एक। एक राहुल कुमार, यानी कोई राहुल कुमार जो 19 साल का, एंड और हीज 16 ईयर्स ओल्ड गर्लफ्रेंड, और उसकी 16 ईयर ओल्ड 16 साल की जो है गर्लफ्रेंड, तो यानी राहुल जो है 19 साल का और उसकी गर्लफ्रेंड 16 साल की। एलेजली, एलेजली मतलब कथित तौर पर, ऐसा कहा गया है, किसी आदमी ने बताया, वहाँ के जो जितने भी आदमी थे उस समय से किसी ने बताया, ये जो न्यूज़ लिखे हैं वो देखे नहीं है ये बात को, उन्हें कोई बताया कि ये एलेजली मतलब होता है कथित तौर पर, यानी ऐसा कहा गया। तो कथित तौर पर कंज्यूम्ड पेस्टिसाइड, कंज्यूम्ड मतलब होता है उपभोग करना, उपयोग करना, जैसे नहीं होता कंज्यूमर उपभोक्ता, तो खा लिया, यहाँ पर कंज्यूम पेस्टिसाइड मतलब खा लिया या पी लिया, यहाँ पर पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब बोलिएगा क्या होता है, तो कीटनाशक दवा होता है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड, इसको कह सकते हैं आप जहर। तो कंज्यूम्ड पेस्टिसाइड, उसने जहर खा लिया। एंड और कमिटेड सुसाइड, और क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, तो मैरिज शादी के बाद, एट विलेज जलालपुर, कहाँ कर लिया, तो एट, एट मतलब होता है में, इन और एट मतलब में होता है, लेकिन छोटे जगह के साथ एट लगाते हैं में के लिए और बड़े जगह के साथ इन लगाते हैं। तो कहाँ कर लिया आत्महत्या, तो गांव में, कौन से गांव में, तो जलालपुर, ठीक है, जलालपुर। अंडर द पोथिया, अंडर द पोथिया पुलिस स्टेशन, जो किसके, किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है, किस थाना के, तो पोथिया, पोथिया पुलिस थाना जो है, थाना जो है उसके अंतर्गत आता है। और ये कहाँ, कौन से जिले में है, तो इन किशनगंज। देखिए, उसका गांव छोटा था इसलिए ऐट लगाया,
और किशनगंज बड़ा होता है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, तो इसलिए इन लगाया। तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो उसका गांव था कौन सा, जलालपुर, जो किसके अंतर्गत आता था, तो पोथिया, पोथिया पुलिस स्टेशन, पोथिया थाना के अंतर्गत आता था, जो किशनगंज जिले में है। कब किया, तो ऑन थर्सडे, और बताए थे किसी भी दिन के नाम के पहले ऑन लगाते हैं और किसी तारीख के पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टोरी समझ में आया। एक राहुल नाम का लड़का जो था 19 साल का, अपने गर्लफ्रेंड जो 16 साल की थी उसकी, ये कथित तौर पर कहा गया है कि उसने जहर खाकर यानी पेस्टिसाइड कीटनाशक खा कर के क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कब किया, तो शादी करने के बाद, ठीक है ना। कहाँ किया, तो अपने गांव में। उसका गांव कौन सा, अपना है या कौन सा गांव है, जलालपुर। और वो जलालपुर किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है, तो देखिए पोथिया, पोथिया पुलिस थाना के अंतर्गत आता है। और ये पोथिया कहाँ पर है, तो किशनगंज में है, किशनगंज जिला जो है वहाँ पर। और किस दिन किया, तो ऑन थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, किशनगंज एसपी, किशनगंज के जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन, राजीव रंजन, राजीव रंजन सीड पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने कहा, क्या कहा, दे वर इन लव, वे मतलब कौन, वो लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों क्या में थे, तो प्यार में थे। दे वर इन लव, वे दोनों प्यार में थे, फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, यानी कि पिछले कई सालों, सेवरल ईयर्स पास्ट मतलब बीते कई सालों से वे दोनों क्या में थे, प्यार में थे। राहुल वाज फ्रॉम जलालपुर, राहुल कहाँ का था, तो जलालपुर का। अच्छा, ऊपर जो बताया आत्महत्या किया, वो अपने गांव में ही किया, तो राहुल जलालपुर का था। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि, वाइल मतलब जबकि। द गर्ल, वो लड़की जो थी, बिलोंग्ड टू अ नियर बाय विलेज, जो एक नजदीक के ही गांव की रहने वाली थी। बिलोंग टू मतलब होता है निवासी होना, वासी होना, कहाँ जहाँ का रहना, तो वो कहाँ की रहने वाली थी, तो नियर बाय विलेज, नजदीक के ही वहाँ जो एक गांव था उसके, गांव के रहने वाली थी। अंडर अंडर फाला पंचायत, फाला पंचायत जो था उसके अंतर्गत एक गांव जो थी उसके करीब, उसी गांव की वो लड़की क्या थी, रहने वाली थी, ठीक है। अब आगे देखिए, राहुल बताए थे दोस्तों, यदि सब्जेक्ट के बाद कॉमा दे दे तो इसका मतलब उसके बारे में आपको कुछ बताएगा, और इसका वर्ब कब आएगा, तो अगला कॉमा जो दूसरा आएगा उसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, राहुल एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट, राहुल क्या है, एक इंटरमीडिएट, इंटर का एक छात्र है, एक इंटर का छात्र। राहुल लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ा, वह घर से निकला होम ऑन वेंसडे, बुधवार को इवनिंग, शाम में घर को, घर से निकला। आफ्टर टेलिंग यानी कहने के बाद, हिज मदर अपनी माँ को कहकर ये बात निकला। देखिए आफ्टर के बाद टेलिंग यानी दुनिया के सारे प्रपोजिशन के बाद, बिफोर यानी कुछ करने के बाद या कुछ करके, तो अपने घर से जो निकला वो बुधवार को, आफ्टर टेलिंग हिज मदर अपने मम्मी को कहकर, दैट की ही वॉज गोइंग टू विजिट अ नियर बाय फेयर, दैट की ही वॉज गोइंग, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था कहाँ, तो टू विजिट यानी घूमने, अ नियर बाय फेयर यानी नजदीक का जो एक मेला था वह मेला घूमने के लिए जा रहा था, ये बात कह के वो अपने मम्मी को घर से निकला, ठीक है। वो कौन सा था, किस क्लास में पढ़ता था, तो इंटर में पढ़ता था, ठीक है। द गर्ल, और वो लड़की जो थी, वो लड़की कौन सी क्लास में थी, तो अ क्लास 9 स्टूडेंट, वो लड़की 9वें क्लास में थी, ठीक है। अब देखिए, गर्ल हैड, ये हैड लाया है गर्ल के लिए, बताए ना कॉमा के बाद आएगा उसका वर्ब, तो गर्ल हैड लेफ्ट, और वो घर जो लड़की जो लेफ्ट होम, वो लड़की जो घर छोड़ी, घर से निकली, द सेम डे उसी दिन, द सेम डे मतलब उसी दिन, फॉर, फॉर मतलब के लिए, हर ट्यूटोरियल क्लासेस, उसका ट्यूशन का जो क्लास था उसके लिए वह उसी दिन निकली। द एसपी सेड, एसपी ने कहा, एंड और एडेड, और ये बात जोड़ते हुए कहा, द, अच्छा द नहीं है, देयर है, देयर बॉडीज, उन दोनों का जो शरीर था, बॉडीज मतलब मृत शरीर, ठीक है ना, वर रिकवर्ड, बरामद किया गया,
कहाँ से बरामद किया गया? तो फ्रॉम अ फील्ड, एक खेत से बरामद किया गया। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, तो आउटस्कर्ट मतलब होता है बाहर, ठीक है ना। तो ऑन द आउटस्कर्ट यानी बाहर, कहाँ से बाहर? तो ऑफ द विलेज यानी गांव से बाहर, एक खेत में, देख रहे हैं, फ्रॉम द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, यानी गांव से बाहर जो एक खेत था वहां से इस दोनों का मृत शरीर बरामद किया गया। और ये स्टोरी बताया गया कि ये लड़का अपने मम्मी को कहकर निकला घर से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेला देखने के लिए जा रहा हूँ, मेला घूमने के लिए। और लड़की बोली कि मैं, लड़की निकली अपने ट्यूशन जाने के लिए, ठीक है। लड़का कौन से क्लास में पढ़ता था? तो इंटर में था। और लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तो वह नवी क्लास में पढ़ती थी, ठीक है। अब देखिए, गांव से बाहर उसका लाश मिला दोनों का। एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, एंड एम्प्टी एक खाली जो है, एम्प्टी मतलब खाली, अब प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक का बोतल जो था, ऑफ पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का एक प्लास्टिक का बोतल मिला, बोतल, वाज लाइंग, वह पड़ा हुआ था, लाई मतलब होता लेटना, पड़ा होना, पड़ा हुआ था बिसाइड देम, उन दोनों के बगल में वो जहर का जो था यानी कीटनाशक का बोतल जो था वो खाली था और उस दोनों के लाश के बगल में पड़ा हुआ था। पोथिया स्टेशन, पोथिया पुलिस स्टेशन, SHO, पोथिया पुलिस थाना का जो, पोथिया थाना का जो SHO, कौन SHO? तो सुभाष कुमार मंडल, SHO सुभाष कुमार मंडल सेड, उन्होंने कहा, द गर्ल्स फोरहेड, लड़की का, गर्ल्स देख रहे हैं अपोस्ट्रॉफी एस यानी लड़की का फोरहेड, फोरहेड मतलब कपार, वाज स्मियर्ड, स्मियर्ड मतलब होता है लगा होना, लिपा पोता होना, तो लड़की का कपार जो था उसमें लगा हुआ था क्या, तो विद वर्मिलियन, ठीक है ना, वर्मिलियन मतलब होता है सिंदूर, सिंदूर लगा हुआ था, स्मियर, कपार में जो सिंदूर लगाते हैं तो स्मियर करते हैं, तो उस लड़की के कपार में सिंदूर लगा हुआ था, ठीक है ना, स्मियर्ड, वर्मिलियन। एंड बोथ वर लाइंग टुगेदर, और बोथ वर, बोथ मतलब ये दोनों, वर लाइंग, पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, टुगेदर साथ साथ, एक साथ दोनों लेटे हुए थे, ठीक है। अब देखिए, दे वर स्पॉटेड एट वीरपुर मार्केट, दे वर स्पॉटेड, उन दोनों को देखा गया था, स्पॉट मतलब होता है किसी चीज को देखना, यानी अगर कोई चीज घटता है, कोई घटना उससे पहले अगर कहीं कोई देखा गया तो इसका मतलब होता है देव स्पॉट, स्पॉटेड, ठीक है ना। तो दे वर स्पॉटेड, वे दोनों देखे गए थे एट वीरपुर मार्केट प्लेस, यानी उन दोनों को, अब देख रहे हैं एट लगाया वीरपुर मार्केट के लिए, छोटा जगह था, तो वीरपुर मार्केट में उन दोनों को देखा गया था। कब? तो ऑन वेंजडे, बुधवार को इवनिंग, बुधवार को शाम जो था, शाम के समय उन दोनों को कौन से मार्केट में देखा गया था? तो वीरपुर मार्केट में देखा गया था, ठीक है ना। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, दे गॉट मैरिड कि उन दोनों ने शादी कर लिया था, दे गॉट मैरिड, मैरी मैरी मतलब होता है शादी करना, शादी आप खुद नहीं करते हैं, कोई कराते हैं आपको, इसलिए कॉजेटिव यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है। तो दे गॉट मैरिड, उन दोनों को शादी कराया गया था, यानी वो उन दोनों ने शादी कर लिया था, बिफोर, बिफोर मतलब के पहले, और दुनिया के सारे प्रपोजिशन के बाद बिफोर यानी बिफोर कमिटिंग सुसाइड मतलब आत्महत्या करने से पहले उन दोनों ने क्या कर लिया था, शादी कर लिया था, ठीक है ना। ही सेड, उन्होंने कहा, ये किसने किसने कहा हो, तो SHO जो थे, SHO जो वहां के थे थाना के, कौन से, पतिया पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा, ही सेड, ठीक है। एंड और एडेड, और ये बात भी उन्होंने इस बात में जोड़ा, दैट की देयर फैमिली, उन लोगों का जो परिवार था, परिवार मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्यों जो थे, फेंड, फेंड मतलब बहाना बनाया, उन्होंने बताया ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा, फेंड, इग्नोरेंस यानी उन लोगों ने बताया कि वे लोग अनजान थे, उन लोगों को ये सब कुछ नहीं पता था, ये सारी घटना जितनी भी हुई लोगों का नहीं, अबाउट एनी अफेयर्स यानी किसी तरह का मामला जो था, अफेयर, ये जो अफेयर था कह सकते हैं, चक्कर जो था, ये जो घटना घटा, इस सब के बारे में उन लोगों के परिवार ने इस बात से फेन कर दिया, बहाना बनाया, नकार दिया,
कि उन लोगों को इग्नोरेंस मतलब अनजान बनना, उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो अनजान थे इस बात से हमें नहीं पता था। नो सुसाइड नोट, नो सुसाइड नोट यानी सुसाइड नोट नहीं, सुसाइड नोट जो है लिखा होता नहीं कॉपी सब में, पेज में लिखा होता है कि हमने ऐसे ऐसे इसलिए किया किया, ये कारण था ये कारण था, तो फलाना कारण था चिलाना कारण था, ऐसे वही सिर्फ नोट जो होता है वो सब चीज़। नो सुसाइड नोट वॉज रिकवर्ड, वो बरामद किया गया, यानी कोई भी सुसाइड नोट वहाँ से नहीं मिला, फ्रॉम द स्पॉट उस घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। ठीक है, इट इज नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है, इट इज नॉट क्लियर मतलब यह स्पष्ट नहीं है, वाई वाई मतलब किस लिए, जिस लिए दे कमिटेड सुसाइड, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है कि उन लोगों ने आत्महत्या क्यों किया। बोथ दोनों बिलोंग टू द सेम कास्ट, वे दोनों जो थे वो एक ही जाति से थे, बिलोंग टू मतलब संबंधित होना से होना, वे दोनों कहाँ से थे तो एक ही जाति से थे, दोनों एक ही जाति के थे, और पता नहीं उन दोनों ने आत्महत्या क्यों किया ये अभी तक पता नहीं चला। द एसपी सेड, एसपी ने ये बात कहा कि उन दोनों ने आत्महत्या क्यों किया ये बात अभी तक पता नहीं चला। बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही अच्छा पढ़ने में आपको लगा होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा था और दो चार वर्ड आपको इसमें मिले होंगे। ठीक है, जैसे कंज्यूम्ड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, कमिट सुसाइड हुआ, नहीं वर्मिलियन हुआ, स्मियर हुआ, ये सारे वर्ड्स जितने भी ये थे ये आप इसको ध्यान में रखिए और पकड़ना सीखिए कि कैसे कैसे हम आपको इसमें बताएं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अच्छा नहीं लगा तो कारण बताइए कि क्या नहीं अच्छा लगा आपको, हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। और आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप ये न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना आया होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये न्यूज़पेपर का ये जो वीडियो था वो देखने के लिए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी इससे अच्छा महसूस होगा और हम आपको अच्छा अच्छा वीडियो देंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगे तो हमें कमेंट में लिख कर भेजिएगा कि सर अच्छा लग रहा है तो हमें दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।